गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज अष्टमी है और आज की जो सुबह है बहुत प्यारी सुबह है, क्योंकि आज फिर से दिल्ली में धूप गायब है, हल्की हल्की धूप है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज अष्टमी के दिन मैं जल्दी जल्दी पूरा काम करके फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मंदिर भी जाना था। मैं मंदिर होके आ गई हूँ और अब मैं नाश्ता वास्ता करने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस जो नवरात्रि है ना, इनकी अलग ही खुशी होती है। मतलब जैसे हम दिवाली और होली में खुश होते हैं ना कि अब होली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो मन मन में एक अलग सी खुशी होती है। तो वही हमें नवरात्रि में भी माता रानी का जैसे कि नाम लेते ही हमें खुशी होने लगती है, और मैं बहुत मानती भी हूँ माता रानी को। मैं क्या, हम सब मानते हैं, मेरी दीदी लोग भी बहुत मानते हैं और मेरी बड़ी दीदी बहुत मानती है, और वो हमारे लिए हमेशा है भी। हम अगर कहीं समस्या में होते हैं, थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम उनको बोलते हैं, वो ज़रूर सुनती हैं। तो आज अष्टमी है और कल है नवमी, तो कल लास्ट हो जाएगा नवरात्रि का। लेकिन जो नवरात्रि आता है ना, बहुत अच्छा लगता है मन में, और एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो अभी गाइस मैं कर रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले मैं पी लेती हूँ गर्म पानी, जो कि डेली के रूटीन में है मेरा, क्योंकि गर्म पानी पीने से ना काफ़ी फ़ायदे होते हैं, इसलिए मैंने गर्म पानी करके नींबू का रस उसमें थोड़ा डाला है, इसको पी लेती हूँ। एक गिलास पानी तो डेली हमें पीना चाहिए, जिससे कि क्या होता है ना, जो मतलब कुछ भी चीज़ें होती है जैसे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो एक गिलास गर्म पानी हर किसी को मॉर्निंग में पीना चाहिए, हो सके तो जैसे उठ के थोड़ी देर बाद पी लेना चाहिए। लेकिन मुझे आज बहुत लेट हो गया है तो मैं पी रही हूँ अभी, और नींबू का रस भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी भी गर्म है, बट गर्म ही अच्छा होता है। तो पहले पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मैंने गर्म पानी पी लिया है, पूरा फिनिश कर दिया है, और अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। यहाँ पे आज कैसा हो रहा ना, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है सच में। गर्मी नहीं है उतनी, कल और परसों बहुत तेज़ धूप थी तो गर्मी का एहसास हो रहा था। तो आज सागर भी नहीं है घर में, वो गया अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो गाइस उसका रिजल्ट आने वाला था, फाइनली सागर पास होके आ गया है, और वो मैंने कल के ब्लॉग में बता भी दिया आपको। तो बहुत खुशी हुई हम सबको, दीदी भी खुश हुई। तो अच्छा होता है कि बच्चे, अगर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो उनका भी होता है कि मतलब पढ़ाई में मन लगाए, पास होके निकाले, तो बस यही है। और दीदी और जीजाजी की भी बस यही आस है, हर माँ बाप की ही होती है आस कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, आगे बढ़े, तो बस यही है। और बहुत खुश है सभी लोग। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम, अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। का मौसम ना चेंज होते रह रहा है, इस बार ऐसा है कि इस बार मतलब जैसे कभी धूप आ जा रही है तेज, तो कभी बारिश हो रही है, पता नहीं मतलब इस बार क्या ही मौसम हो रहा है। तो जैसे कि अप्रैल लगने वाला है 2 दिन बाद, लेकिन मौसम बहुत मस्त है यहाँ का। तो अभी थोड़ी हल्की धूप दिख रही है, ये हल्की धूप तो है, पर अभी थोड़ी देर पहले धूप नहीं थी और बादल भी लगे हुए हैं, और मुझे ना बारिश का मौसम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, धूप उतनी पसंद नहीं है। और इधर कपड़े अपने धो के भी डाल दिए, सारा मैंने बालकनी जो है साफ़ करके धो के रख दिया है, और चुन्नू मुन्नू को यहाँ पे बैठा दिया है। चुन्नू मुन्नू तो ज़्यादातर हम बाहर ही रखते हैं इनको, क्योंकि बाहर इसलिए रखते हैं, अब वह पंछियों को बाहर ज़्यादा सही रहता है रहना, तो इसीलिए हम या यहाँ पे रखते हैं या वहाँ बाहर बालकनी में रख देते हैं। वहाँ मैंने धुलाई की थी तो इसलिए मैंने उठा के इनको पहले पोछा लगाने के बाद यहाँ रख दिया था। तो इस तरह से मैंने सारा काम जो है आज का ख़त्म कर दिया है। काम तो मेरा थोड़ा बहुत जो था मैंने कर दिया है, अब मैं थोड़ा पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 2-3 घंटे, सागर नहीं है, अकेली हूँ, तो इसका मुझे और फ़ायदा मिलता है। उसमें होता क्या है ना, सागर जैसे नहीं होता है तो मैं अकेले भी होती हूँ, खाना वाना बनाने का उतना नहीं रहता है, लेकिन जैसे भूख ज़्यादा लग जाती है तब मैं बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ पहले, और अभी मुझे समय मिला है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो पहले सबसे पहले बुक लेके आती हूँ बाहर से। गाइस
गाइज़ अभी टाइम भी काफ़ी हो गया और आज समझ में भी नहीं आ रहा खाने के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि सागर भी नहीं है और क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। या सोच रही है ऐसे रहने देती हूँ, क्या ही खाना बनाऊँ अकेले के लिए, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी देखती हूँ क्या होता है। तो गाइज़ दीदी आ गई है घर, सागर अभी नहीं आया है, वो अभी घूमने में ही है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, आया नहीं है और थोड़ी देर पहले आया था पैसे लेने के लिए, तो फिर से दोबारा से गया है। तो आज पूरे दिन सागर घूमने में ही है, तो परसों से उसका स्कूल है और दीदी तो आ चुकी है ड्यूटी से, चुन्नू मुन्नू मेरे साथ ही यहाँ पे। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 और प्यारा सा मौसम हो गया है बाहर। तो गाइस अभी अभी बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो गया है और बिजली जब कड़कती है ना उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा कपड़े उठा लेती हूँ, अचानक से बारिश आएगी सब भीग जाएंगे। यहाँ कितने सारे कौवे उड़ रहे हैं एकदम झुंड में, ये है इधर से यहाँ तक पूरे उड़ रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े। क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो इनको भी अच्छा लग रहा है, सब उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं मस्त करके। और ये देखिए बादल, तो हल्की सी आवाज़ आपको सुनाई भी दे रही होगी, बादल गरज रहे हैं और बारिश की जो बूंदें हैं वो भी गिरने लग गई हैं। तो मैं कपड़े उठा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे कुछ कुछ बूंदें गिर रही हैं, तो कपड़े उठा लेती हूँ पहले जल्दी, बारिश आ रही है। कपड़े हैं तो फिर भीग जाएंगे सारे, अच्छे नहीं होते। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश वाला मौसम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बिजली भी चमक रही है। बिजली के साथ साथ आज दिल्ली का मौसम इस तरह का है, कुछ इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है और साथ में हवा भी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए कैसा मौसम हो गया अभी अभी, तेज हवा चल रही है। उठा दिए सारे। तो ऐसा मौसम हो गया दिल्ली का अभी अभी, पूरी बारिश बारिश वाला मौसम, मस्त मौसम। एक घर बिजली कड़की, बारिश हुई तब। दीदी लेके आई है इतना बड़ा मट्ठी और ये जैसे समोसा होता है ना उसी तरह से बना है। ये इतना बड़ा मट्ठी मैं पहली बार देख रही हूँ, तो एक सागर के लिए मेरे लिए खा लेती हूँ अभी। और मौसम भी हो गया सुहाना, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, बहुत अच्छा हो गया मौसम अभी। क्या हुआ, इतनी गंदी फोटो भेजी और क्या? कौन सी गंदी भेजी, मैंने इतनी अच्छी भेजी है, देख क्यों नहीं रहे हो दोनों? नाक की भेजी और किसकी भेजी है? नाक दिख रहा है और नहीं दिख रहा। अभी रात के 8 बजे आ रहा है ये घूम के, आज रात के 8 बजे घर आ रहा है घूम के। सीरियसली यार क्या हो गया, गंदी क्या हो गया, दिखाना जरा गाइस को, दिखाना क्या दिखाऊं, ये दिखाना क्या कर रखा है, क्या ये क्या पोछ रखा है, पोछ रखी है नाक। तो गाइस ये हूं मैं साफ सुथरे, पता नहीं इनको क्या दे दिया, भाग यार इसको बाहर की कब्री में। तो गाइज मेरे को भगा रहे हैं यहाँ से, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि वहाँ काम है कुछ, तो इसलिए जा रही हूँ। और अभी सूट भी लेके आनी है, कल भैया कह रहे थे कि कल सिल जाएंगे करके, तो आज सिल गई होंगी, इन्हें जा रहे हैं। साकू आ जाओ जल्दी, पूरा गीला हो रखा है इधर, थोड़ी सी बारिश आई, ज़्यादा तो नहीं आई लेकिन मौसम ठंडा हो गया काफ़ी। जा गए हम दुकान से और ले आए मैं सूट अपना, सागर के हाथ में है तो पैर में इतनी दर्द हो गई, दाहिना पैर तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, रोज़ दर्द होती है इस पैर में, मेरे बाल कुछ उड़े उड़े लग रहे। सागर देखियो जैसे कितना मार रहे हैं, जा रहा हूँ मैं
जा बाय।